हाय गाइस, आज हम 2002 में आई मूवी मे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को अपनी आंख पकड़कर रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी एक आंख किसी वजह से फूट गई होती है और उसकी आंख से खून भी निकल रहा होता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम एक छोटी सी लड़की मे को देखते हैं, जिसकी एक आंख खराब होती है, इसलिए मे अपनी उस आंख को ढकने के लिए आंख पर एक पट्टा बांधती थी। वही मे की आंख पर पट्टा की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है और इस वजह से मैं काफी उदास रहती थी। इसके बाद मे के बर्थडे पर मे की मॉम मे को एक डॉल गिफ्ट में देती है और मे से कहती है कि ये मेरी सबसे पहली डॉल है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। अब मे का भी कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए मे की मॉम मे को इसी डॉल से दोस्ती करने के लिए कहती है। वही मे को भी डॉल बहुत पसंद होती है, इसलिए मे उस डॉल से दोस्ती कर लेती है। फिर आगे हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। अब मे उस डॉल के साथ खेल हुई बड़ी हो चुकी थी और वहीं उसने अपनी आंखों को भी ठीक करवा लिया था। वहीं अब आंख ठीक होने के बाद मैं खुद को स्मार्ट और खूबसूरत समझने लगती है और मैं अब एक जानवरों के हॉस्पिटल में काम करती थी। वहीं मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर पास के ही एक लड़के एडम को देखा करती थी, क्योंकि मैं को एडम काफी पसंद होता है और एडम हॉस्पिटल के पास में ही एक गैराज में मैकेनिक होता है। इसके बाद मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती है, जहां मैं एडम को बुक पढ़ते हुए देखती है। वहीं मे को एडम के हाथ बहुत अच्छे लगते थे और तभी बुक पढ़ते पढ़ते एडम की आंख लग जाती है। तभी मैं एडम को सोता हुआ देखकर एडम के पास जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने चेहरे से टच करती है, लेकिन तभी एडम की आंख खुल जाती है, जिससे मैं काफी घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। आगे मे और एडम की मुलाकात एक शॉप पर होती है, जहां एडम मे से फ्लर्ट करने लगता है और इससे मे को काफी अच्छा लगता है। वहीं एडम जब मे से सिगरेट के लिए पूछता है, तब मैं एडम का दिल रखने के लिए सिगरेट पीने के लिए मान जाती है और उसके साथ धुआं उड़ाने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे मे और एडम की फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर एक दिन मे एडम को साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है, लेकिन एडम बिजी होने की वजह से मना कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि मे जब भी एडम से मिलती है तो उसके हाथों को बहुत प्यार से टच किया करती थी, क्योंकि मे को एडम के हाथ बहुत पसंद होते हैं। अब ऐसे ही कई बार मिलने के बाद मे और एडम की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इसी दौरान मे एडम से कई बार मिलती है। वहीं मे एडम से मिलने के बाद सारी बातों को अपनी डॉल के साथ शेयर किया करती थी। फिर एक दिन मे जब एडम को अपने घर पर लेकर आती है और दोनों अनकंट्रोल होकर चुम्मा चाटी करने लगते हैं, तभी कमरे में रखी मे की डॉल से एडम टकरा जाता है, जिससे मे के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर अगले दिन मे जब हॉस्पिटल में होती है, तभी उसके पास एक लड़की पॉली अपनी कैट के साथ आती है, जो मे से उसके हाथ की चोट के बारे में पूछती है और फिर पॉली धीरे धीरे मे के करीब आने लगती है। दरअसल पॉली एक लेस्बियन लड़की होती है, जिसे लड़कियों के साथ इंटीमेट होने में काफी मजा आता था। मे जब पॉली को टच करती है तो उसे पॉली की गर्दन काफी अच्छी लगती है, उसी तरह जिस तरह मे को एडम के हाथ अच्छे लगते हैं, वहीं पॉली भी मे को पसंद करने लगती है। इसलिए पॉली अपनी कैट मे को दे देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद मे एक रात एडम को अपने घर बुलाने के लिए एडम को कॉल करती है, पर एडम बिजी होने की वजह से उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है। इसलिए मैं रात को ही एडम के घर पहुंच जाती है, जहां मैं एडम के साथ डिनर करते हुए मूवी देखती है, जिसमें एक कपल पिकनिक पर गया होता है और जब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, तभी दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से खाने और काटने लगते हैं। अब ये सब करने के बाद मे को काफी अजीब फील होता है, इसलिए मैं एडम के पास चिपक कर बैठ जाती है और फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं, जहां एडम मे के साथ सारी हदें पार कर जाता है। वहीं मे एडम के हाथ से अपने चेहरे को छूती रहती है और जब एडम मे को किस करने लगता है, तभी मे एडम के होंठ को काट लेती है, जिससे एडम के होंठ से खून निकलने लगता है। वहीं एडम को मे की ये हरकत अच्छी नहीं लगती और फिर एडम वहां से चला जाता है। आगे एडम के जाने के बाद मे अपनी डॉल को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगती है। तभी एडम मे के इस पागलपन को देख लेता है, जिससे एडम समझ जाता है कि मे दिमाग से पैदल है। इसके बाद एडम मे से काफी समय तक नहीं मिलता है और जब मे एडम को कॉल करती है, तो एडम मे की कॉल भी रिसीव नहीं करता। इसलिए मे एक दिन एडम्स के घर मिलने के लिए चली जाती है और जब मे एडम के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाती है, तब मे एडम और उसके दोस्त के बीच की बातें सुन लेती है, जहां एडम अपने दोस्त से कह रहा होता है कि वो मे से अलग होकर काफी खुश है। वहीं एडम के साथ एक लड़की भी होती है, जिसे देखने के बाद मे को काफी बुरा लगता है और फिर मे वहां से रोती हुई चली जाती है। आगे मे पॉली के पास जाती है, जहां मे एडम की वजह से बहुत दुखी होती है। तभी पॉली मे
को ऐसे देखकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। इस पर मे पॉली को मना नहीं करती और फिर पॉली मे के साथ इंटीमेट होती है। आगे अगली सुबह मे एक अंधे बच्चों को स्कूल में जॉब के लिए जाती है और मे उस स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। वहीं मे एक ब्लाइंड छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो सिगरेट पीने वाला एस्ट्रे बना रही होती है, और जब मे उस लड़की के पास जाती है तब वो लड़की मे को वो एस्ट्रे गिफ्ट कर देती है और मे उस एस्ट्रे को खुशी खुशी अपने पास रख लेती है। इसके बाद मे उस एस्ट्रे को लेकर पॉली के पास जाती है क्योंकि अब मे को भी पॉली अच्छी लगने लगी थी। और जब मे पॉली के घर जाती है तब मे पॉली के घर पर एक दूसरी लड़की एमी को देखती है। अब ये देखकर मे का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और फिर मे गुस्से में वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। वहीं घर पहुँचने के बाद मे गुस्से में अपनी सारी डॉल्स तोड़ देती है और बहुत दुखी होती है। तभी मे के पास पॉली की दी हुई कैट आ जाती है, जिसे देखते ही मे उस एस्ट्रे से पॉली की कैट को मार देती है। वहीं मे को कुछ पल के लिए लगता है कि जैसे उसकी डॉल उससे बात करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि डॉल जिस फ्रेम के अंदर होती है वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। फिर अगले दिन मे अपनी डॉल को लेकर उसी ब्लाइंड स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची ने एस्ट्रे गिफ्ट में दिया था। वहीं मे जब अपनी डॉल को सभी बच्चों के सामने रखती है तो स्कूल के सारे बच्चे डॉल को लेने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं, जिससे डॉल नीचे गिर जाती है और उसमें लगा हुआ फ्रेम का कांच टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो सभी बच्चे उस डॉल को लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वो सभी बच्चे खून से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन तभी मैं उस डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है और बच्चों की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। इसके बाद मैं जब पार्क में अकेली बैठी होती है तभी उसके पास एक बड़े बड़े बालों वाला आदमी जिमी आता है, जिससे कुछ देर बात करने के बाद मैं उससे दोस्ती कर लेती है और जिमी को अपने घर ले जाती है। आगे घर पर जिमी मे का फ्रिज खोलने लगता है। इस पर मे जिमी को मना करती है, लेकिन जिमी मे के मना करने के बाद भी फ्रिज खोल देता है। अब जिमी फ्रिज के अंदर पॉली की मरी हुई कैट को देखकर चौंक जाता है। तभी मे जिमी की इस हरकत पर उसके सर पर एक नुकीली चीज से अटैक करके उसे मार देती है। फिर आगे हम मे को देखते हैं, जिसे जिमी को मारने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। इसके बाद मे पॉली से मिलने जाती है, जहां मे पॉली को बातों में उलझाकर उसकी गर्दन का नाप लेने लगती है। पर इसी दौरान पॉली की गर्लफ्रेंड एमी आ जाती है और जब मे एमी से मिलती है तो मे को एमी के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मे को पॉली की गर्दन बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मे रात को बिल्कुल अपनी डॉल की तरह मेकअप और कपड़े पहनकर तैयार होती है और फिर मे एक बड़ा सा बैग लेकर सीधा पॉली के घर जाती है, जहां मे पॉली के साथ मस्ती करने लगती है और मस्ती करते करते मे पॉली का गला काट कर उसे मार देती है। तभी पॉली की गर्लफ्रेंड एमी भी वहां आ जाती है, जो पॉली को आवाज लगाते हुए घर के अंदर आने लगती है। लेकिन तभी मे एमी के सामने आकर उसे भी बुरी तरह से मार देती है और फिर मे पॉली और एमी की डेड बॉडी लेकर वहां से चली जाती है। वहीं अब मे हर जगह से धोखा खाने के बाद काफी बदल चुकी थी, इसलिए मे अपने साथ हुए धोखे का बदला पॉली और एमी से लेने के बाद सीधा एडम के घर जाती है, जहां मे जब दरवाजा नॉक करती है तब एडम एक दूसरी लड़की के साथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर मे को काफी बुरा फील होता है। इसके बाद मे एडम के घर के अंदर जाती है और एडम से अपना फेस टच करने के लिए बोलती है, लेकिन एडम अपनी नई गर्लफ्रेंड के सामने मे को टच करने से मना कर देता है। और जब मे को अपने घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी मे वहां से जाने के बजाय एडम और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देती है। फिर आगे हम मे को देखते हैं, जो सभी डेड बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके उनसे एक डॉल तैयार कर लेती है। दरअसल मैंने इस डॉल को बनाने के लिए ही सभी को मारा था। वहीं डॉल को बनाने के लिए मैंने जिमी के शोल्डर, एडम के हाथ, एमी के पैर और पॉली की गर्दन का इस्तेमाल किया था, और इस डॉल के बालों की जगह मैंने उस कैट के बाल लगाए होते हैं। और जब डॉल पूरी तरह से बन जाती है तब मैं इस डॉल का नाम एमी रखती है। वहीं अब इस डॉल के अंदर एक आंख की कमी रह जाती है, इसलिए मैं अपनी एक आंख को निकालकर डॉल पर लगा देती है, और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं फिर मैं दर्द की वजह से रोते हुए अपनी बनाई हुई डॉल के ऊपर सर रखकर ही सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब मैं सो जाती है तभी मैं की बनाई हुई डॉल के हाथ अपने आप उठकर मैं के गालों को सहलाने लगते हैं। और इसी क्रीपीनेस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।